अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का, और आज का नंबर है 434, जिसका रिश्ता वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब ज्ञानवापी का विवाद सुर्खियों में है। जिला अदालत से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में इससे जुड़े किसी ना किसी केस की सुनवाई हो रही है। अभी नया विवाद ज्ञानवापी मस्जिद में व्यास जी के तहखाने में पूजा को लेकर है, और इस मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से कैसे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है ये आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ज्ञानवापी के नाम पर 2024 में वोट डाले जाएंगे। इसे समझने के लिए आप हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है, वो आप वेबसाइट से देख सकते हैं। पूजा भी जारी रहेगी, पूजा जारी रहेगी। वो तहखाना की और तहखाने के ऊपर की जो मस्जिद है वो बिल्कुल एक मुकम्मल मस्जिद है। अदालत के फैसले के विरोध तो हमेशा ही होते हैं, अदालत कौन सा सही फैसले दे। जितने भी राजनीतिक दल हैं इनका चरित्र, इनका रक्त के कि एक एक बूंद जो है हिंदुत्व विरोधी है। ऐसा महसूस होता है कि जल्दबाजी में उनसे ये काम करवाया गया है। सबूत के आधार पर उन्होंने न्यायालय ने फैसला सुनाया है। तो अगर इस कानून पर को ईमानदारी के साथ अमल नहीं किया जाएगा तो बहुत से झगड़े पूरे मुल्क में शुरू हो जाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू देवताओं की पूजा नहीं रुकेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला अदालत वाराणसी के 31 जनवरी के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें हिंदू पक्षकारों को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति दी गई थी। अगली डेट लगाई है 6 तारीख की, और कोर्ट ने यह कहा है कि जो आपकी अपील है उसको आप अमेंड करिए और 17/1/2024 का ऑर्डर पहले चैलेंज करिए। तो अगली डेट इसकी जो सुनवाई होगी वो 6 फरवरी 2024 को होगी। अभी कोई हाई कोर्ट ने कोई भी ऐसी रोक नहीं लगाई। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है, वो आप वेबसाइट से देख सकते हैं। पूजा भी जारी रहेगी, पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने क्या दलीलें दी, जज साहब ने क्या कहा, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। अभी आप वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नाराजगी देखिए। ये जो बात कही जाती है ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। मुसलमानों से चाहते हैं कि वो सब्र और तहम्मुल करें, लेकिन अगर वो सब्र और तहम्मुल करना छोड़ देंगे तो सारे देश का नुकसान हो। इस बात को समझना हमारी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। अभी हम लोग तो भारी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुश्मन है, दुश्मनों जैसा सुलूक किया जा रहा है, डिमिनाइज कर दिया, बदनाम कर दिया, रुस्वा कर दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ऐसा कर दिया, बना दिया है, उसमें आप लोगों का भी कुछ ना कुछ हाथ है। जाहिर है मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ से नाराज है, अदालत के फैसले से निराश है। उनका दावा है कि मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनी, लेकिन सच क्या है, खुद औरंगजेब के दरबारी लेखक ने क्या लिखा है, आप वो पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे। इतिहास के वो सनसनीखेज पन्ने आपके सामने खोलेंगे। अभी आपको ज्ञानवापी मस्जिद के उस इलाके की सबसे नई तस्वीर दिखाते हैं, जहां लगातार दूसरे दिन पूजा पाठ। वाराणसी की जिला अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने, जिसे व्यास जी का तहखाना भी कहा जाता है, वहां लगातार पूजा पाठ और अर्चना जारी है। इसके साथ ही दर्शनार्थियों को तहखाने के अंदर रखी हुई मूर्तियों के दर्शन भी कराए जा रहे हैं।
ज्ञानवापी मस्जिद के इस तहखाने में पूजा पाठ करीब 31 साल बाद शुरू हुआ है। हिंदू पक्ष के मुताबिक जिस तहखाने में ब्रिटिश काल में भी पूजा नहीं रुकी, वहां मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कैसे पूजा रुकवा दी, ये भी आपको बताएंगे। अभी आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर क्या हुआ वो देखिए। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा पाठ की जिला अदालत की 31 जनवरी के आदेश पर रोक की मांग की। इस पर हिंदू पक्ष ने दलील दी कि 17 जनवरी के आदेश को चुनौती दिए बिना 31 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मुस्लिम पक्ष से अपनी अपील में संशोधन करने और अगली सुनवाई 6 फरवरी को करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वाराणसी की विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। हाईकोर्ट में जिला अदालत के 17 जनवरी के जिस आदेश पर पेच फंसा, उसी आदेश में व्यास परिवार की अर्जी पर जिला अदालत ने वाराणसी के डीएम को ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया था। इसी के बाद 31 जनवरी को जिला अदालत ने व्यास परिवार की अर्जी पर उन्हें पूजा अर्चना की इजाजत दे दी। जिला अदालत के उस आदेश को तुरंत अमल में लाया गया। सबसे पहले सर्वे के दौरान मिली मूर्तियों को ट्रेजरी से निकलवाया गया, फिर उन्हें तहखाने में विधि विधान से रखा गया और उनकी पूजा शुरू की गई। जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था। आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया और वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर पूरे 31 साल बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में फिर से 5 पहर की आरती और पूजा पाठ हो रहा है। सुबह के 3:30 बजे मंगला आरती, दोपहर 12 बजे भोग आरती, शाम 4 बजे अपराहन आरती, फिर शाम 7 बजे संध्या आरती और रात 10:30 बजे शयन आरती हो रही है। बहुत ज्यादा उत्साह है। आज माननीय जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश जी के आदेश से जो व्यास जी का तहखाना खोला जिसमें पूजन राग भोग चालू है, आज उसका दूसरा दिन है। स्मारकों की भीड़ उमड़ी चली चली आ रही है और खास तौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है, सभी हिंदू जन हर्षित है। ये हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कम से कम 31 साल के बाद हम लोग को एक खुशी मिली है कि हम लोग को मतलब व्यास जी के तहखाने में दर्शन का मतलब अधिकार मिला है। ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में 31 साल बाद पूजा पाठ शुरू होने से हिंदू पक्ष खुश है तो मुस्लिम पक्ष नाखुश। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद पहले जुमे पर यहां नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी। जिला अदालत के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जुमे के रोज बंद भी बुलाया था। ऐसे में ज्ञानवापी परिसर और काशी विश्वनाथ इलाके को छावनी में बदल दिया गया था। पड़ोसी जिलों की पुलिस के साथ ही पीएसी के जवान भी तैनात किए गए थे। जमीन पर पुलिस का पहरा था तो आसमान से ड्रोन की निगहबानी। सुरक्षा व्यवस्था है, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। थोड़ी आईडी नीचे कर, कितनी फोर्स लगाई गई, कहां कहां पर तैनाती की गई है सर, क्योंकि आज लोग बंदी का भी ऐलान किए मुस्लिमों ने। सभी संवेदनशील स्थानों पर और जो पुलिस का जो अनुभव है उसके आधार पर ड्यूटियां लगाई गई है। धन्यवाद। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे के दिन बड़ी तादाद में नमाजी आते हैं, लेकिन अब हिंदू पक्ष उनसे इस जगह को खाली करने की अपील कर रहा है। इतना हमको अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा हमको अनुभव रहता है, जैसे लग रहा था कि भोले बाबा बाल रूप में विराजमान हो गए हैं। एक आज अलग सी अनुभूति हमको हो रही है। हमको बहुत खुशी है कि लगातार बाबा का पूजा इसी तरह होना चाहिए, जैसे काशी विश्वनाथ में 5 समय की आरती हो रही है, उसी तरह इसमें भी होना चाहिए। हिंदू पक्ष की इस मांग पर मुसलमानों का क्या कहना है उसे भी सुनिए।
की बात नहीं, वो विरोध विरोध कुछ नहीं है, बस एक मौलाना का एक वो था, वो बाकी कोई विरोध नहीं है। हम जो है हिंदुस्तान हमारा बेहतरीन है, हमारा बढ़िया है। जाहिर है अयोध्या की तरह ही ये विवाद भी बरसों पुराना है, मामला अदालत में है, ऐसे में फैसला भी कानून के मुताबिक ही होगा। लेकिन अभी माहौल चुनावी है, ऐसे में इस मुद्दे के मुखर होने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सब प्रभु की इच्छा है, हर हर महादेव। अब इस पे हम क्या कहेंगे, सब प्रभु की माया। पूजा तो पहले भी चल रही थी, कोर्ट ने थोड़ी रोक लगाई थी, एक राजनीतिक सरकार ने लगाया था, जो एक राजनीतिक एंगल से देख करके लगाया था, उसको माननीय न्यायालय ने आदेश दिया पूजा के लिए, तो पूजा तो पहले भी हो रही थी। आपने बीजेपी नेताओं की बात सुनी, अब ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा से नाखुश इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन देखिए। ज्ञानवापी विवाद पर कांग्रेस का भी पक्ष सामने आया है, जरा सुनिए इसे लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है। 1947 में जैसा पूजा स्थल जहां हो रहा था वो कायम रखा जाएगा, केवल राम मंदिर बाबरी मस्जिद को छोड़कर, अब उसका पालन होना चाहिए। ९९ के जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है उसे समझना भी जरूरी है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून 1991 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये कानून कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार लेकर आई थी। ये कानून तब आया जब अयोध्या विवाद बेहद गर्म था। इस कानून में सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी विवाद को छूट दी गई थी। १९९१ के इस कानून से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित हैं। संसद से उपासना स्थल कानून पारित होने के बाद 1992 में अयोध्या का विवादित ढांचा गिरा दिया गया। अयोध्या की तरह ही काशी और मथुरा में भी मंदिर मस्जिद विवाद थे। ऐसे में इसके 1 साल बाद ज्ञानवापी मस्जिद के इस तहखाने को भी तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बंद करा दिया। 1993 में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के आदेश पर बनारसी प्रशासन ने ब्यास जी के तहखाने को सील कर दिया था। इसके बाद लगातार उस तहखाने को खोलने और वहां पूजा पाठ की मांग को लेकर अदालत में मामला चल रहा था। हालांकि इसे लेकर जब दिवंगत मुलायम सिंह यादव के भाई और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव से सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या था सुनिए। मुलायम सिंह यादव ने कराई थी, कौन कहता है मुलायम सिंह ने पूजा बंद कराई? ये हर जगह कहा जा रहा है फैसले का विरोध, हमेशा ही होते हैं। अदालत कौन सा सही फैसले देती? अब आप मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को भी सुनिए, जो बीजेपी में है और ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू होने से वो बेहद खुश है। तो हिंदू समाज जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास करता है और यह जीत मुझे लगता है पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और 33 वर्षों से मुझे लगता है हिंदू समाज अपमानित हुआ वहाँ पर और साक्ष्य को लेकर के जीत हुई है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत को न्याय करार दे रहा है तो मुस्लिम पक्ष अन्याय। मुस्लिम पक्ष का इस बात का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, जबकि इतिहास के कई किताबों में इस बात का उल्लेख है कि उस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब के कहने पे और उनके हुक्म पे ही मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। औरंगजेब के दरबारी लेखक साकी मुस्तैद खान ने फारसी भाषा में मासिरे आलमगिरी नाम की किताब लिखी। इसका इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जिसका हिंदी अर्थ आपको जरूर देखना चाहिए। इस किताब में लिखा है, बादशाह को पता चला है कि तत्ता मुल्तान और खासकर बनारस में ब्राह्मण अपने स्कूलों में गलत किताबें पढ़ रहे हैं, उनसे शिक्षा लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
इनमें हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी। बादशाह इस्लाम का शासन कायम करना चाहते हैं, इसलिए सभी प्रांतों के गवर्नर को उनका आदेश है कि काफिरों के स्कूल और मंदिर ध्वस्त कर दिए जाएं। इस आदेश के कुछ ही महीनों के बाद साकी मुस्तैद खान की ओर से 2 सितंबर 1669 को लिखा गया। दरबार में खबर आई है कि बादशाह के आदेश के अनुसार बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया गया। मशहूर इतिहासकार डॉक्टर मोतीचंद्र की किताब काशी का इतिहास में भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र है। 17 जिलकदा हिजरी 1079 के दिन दीन के रक्षक बादशाह सलामत के कानों में खबर पहुंची कि ठट्टा और मुल्तान के सूबों में और विशेषकर बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते और समझाते हैं और उनमें दूर दूर से हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञानों को पढ़ने की दृष्टि से जाते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया कि वे अपनी इच्छा से काफिरों के तमाम मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद दी गई है कि वे सब प्रकार के मूर्ति पूजा संबंधी शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजा भी बंद कर दें। 15 रबी उल आखिर को दीन प्रतिपालक बादशाह को खबर मिली कि उनकी आज्ञा के अनुसार उनके अमलों ने बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया। ब्रिटिश वास्तुकार, योजनाकार और मानचित्रकार जेम्स प्रिंसिप ने प्राचीन आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर पर काफी रिसर्च किया था। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर तोड़े गए विश्वेश्वर महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए पूरे इलाके का सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने पाया था कि मस्जिद का निर्माण प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के ऊपर किया गया। जेम्स प्रिंसिप ने 1832 में एक किताब लिखी जिसका नाम है बनारस इलस्ट्रेटेड। इसमें उन्होंने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर का प्लान पेश किया था। प्रिंसिप के प्लान के मुताबिक मंदिर का गर्भगृह ठीक बीच में है, जो महादेव की जगह है, और इस मंदिर के चार द्वार हैं, जबकि चार कोनों पर तारकेश्वर, मंकेश्वर, गणेश और भैरव मंदिर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो डॉटेड लाइन है उस पर मस्जिद का कब्जा है। ज्ञानवापी का सर्वे कर एएसआई की टीम ने भी इस किताब का अध्ययन किया था। ज्ञानवापी परिसर में पहले एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे और फिर एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे में मिले सबूतों के आधार पर भी काशी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के दावे किए जाते हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में ज्ञानवापी विवाद को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या मतदाताओं के मिजाज पर भी इस विवाद का असर पड़ेगा। अब सवाल यह कि अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका असर देश की 80% हिंदू आबादी पर पड़ेगा? क्या ज्ञानवापी की वजह से लोकसभा की 80% यानी 434 सीटों के नतीजे भी प्रभावित होंगे? मैं राम मंदिर का निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जो हुई, उसी श्रृंखला में ज्ञानवापी में भी एक पक्ष के लिए, एक मैं तो कहूँगा बल्कि दोनों पक्षों के लिए, क्योंकि अदालत का फैसला तो सबके लिए सर्वमान्य होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्ञानवापी मुद्दा बनेगा या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मुद्दा जरूर बनेगा।